नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है नियो वर्ल्टेक। दोस्तों रेलवे में निकली हुई भर्ती के बारे में आज बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप आवेदन कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ पर करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहें पूरे वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट, और साथ ही साथ लेकर आते हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास, जिसमें आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट लेकर आते हैं, और रीजनिंग के, जनरल साइंस के और करंट अफेयर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते हैं जो आपको परीक्षाओं में काफी हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको लेकर आते हैं ऑल ओवर इंडिया में जो भी भर्ती निकलती है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। तो दोस्तों इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब के बाद में पास के बेल आइकन को दबाते हैं। तो दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस नई रिक्रूटमेंट की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसका माइंड क्विज क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा। तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी निकली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसका, और इसकी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन आवेदन करने की वो है 10 मई। जी हाँ दोस्तों, 10 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट की बात करते हैं तो देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रिकल और टेली कम्युनिकेशन, यहाँ पर इन सब वैकेंसी के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है 34 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 40,000 से लेकर के 1,40,000 यहाँ पर सैलरी दी जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सैलरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 30 साल। अगर आप मैक्सिमम 30 साल के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए डिग्री होना जरूरी है, बैचलर डिग्री जो है आपकी सिविल में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन में होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको गेट क्वालिफाइड होना भी जरूरी है। अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज की, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, जिसके लिए आप देख सकते हैं आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, जिसके तहत आपको इस रिक्रूटमेंट में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी यहां पर दे रखी है, क्या क्या आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर लगेगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, आईडी प्रूफ में क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या लगेगा, वो सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी है। और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको इसकी रेलवे की ऑफिशियल साइट पर आना पड़ेगा, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन की। यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आवेदन करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आपको यहां पर इंटरफेस ओपन होगा तो आपको यहां पर आपकी डिटेल्स डालनी है, आपके नाम डालना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एड्रेस डालना है आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको आपकी पूरी डिटेल्स डाल करके आपको यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पर फोटो लगेंगे आपके, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे आप जा करके आपको जो डिटेल्स मांग रहा है वो सबमिट करके आपको फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। अगर आप सिविल के लिए करें तो सिविल पर क्लिक कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल पर, और ये टेली कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपको जो भी भर्ती की खबर देते हैं रेलवे की, एसएससी की, बैंक्स की, XYZ, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।